कली से देख के लगा ही था ये मरने वाला है, और आज सुबह में ये मर गया। बारिश की वजह से ऊपर कच्चा हो रहा था, इसलिए मैंने इन्हें नीचे शिफ्ट कर दिया था, पर इसके नसीब में नहीं था जीना। इसके वास्ते अभी हमारे पास मटकियाँ भी आ चुकी है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। 4 दिन के बाद इतनी अच्छी धूप निकली है, वरना तो रोज़ बारिश ही रह रही थी, पर आज देखिए धूप निकली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं अभी मटकियाँ ला चुका हूँ जाके, यहाँ पे है देखिए हमारे मटकियाँ। ये टोटल देखिए 8 मटकी लाया हूँ मैं, 8 मटकी हमें बस हो जाएगी। अभी इन्हें बस तार बन के लगाना है पिंजरे में। इस एक मटकी को देखिए मैंने तार बनाया, जो कि बहुत बराबर तरीके से बना गया। मैं अभी लगा के भी देखा था तो ये बिल्कुल सही लग चुका है। अभी और हमें इन 7 मटकियों पे लगाना है। अभी सुबह हो चुकी है और रात में मैंने पूरे मटकियों पे तार बांध दिए थे। अभी सुबह होते ही फिर से बारिश स्टार्ट होने वाली है, हल्के हल्के छींटे आ रहे हैं, पर मैंने अपने मटकियाँ सुबह उठते ही लगा दिए थे। यहाँ पे है देखिए, जो कि बहुत मस्त दिख रहे हैं। अब देखिए पूरे टोटली मैंने यहाँ पे मटके लगा दिए हैं। इनके ऊपर की ये ढक्कन प्लेट्स जो भी से बोलते हैं, ये भी अभी मेरे पास है, बस ला के लगाना है। और अभी ये एकदम सही से लग चुके हैं, बस अब गेट लगना है। और हाँ, हम लोग गेट लगाने से पहले अंदर पूरा पेंट भी मारेंगे यहाँ पे प्लास्टर करके। ये दोनों अभी खुले हैं, तो ये बहुत देर से खुले हुए हैं, अभी इन्हें बंद करते हैं और बड़ों को छोड़ते हैं, कबूतरों को छोड़ते हैं। अभी हम लोग सुबह से दोनों मिट्टी में खेल रहे थे यहाँ पे, और इनके नाखूनों में और चोंच पे पूरी मिट्टी लग चुकी है। इसने फिर से मुर्गियों से फाइट की, और देखिए इसने अपनी कलगी पे माल लगा ली है, दिख रही होगी आपको। रेती भी हमारे पास अभी ख़त्म हो चुकी है ये कंप्लीट करने के वास्ते, इसलिए मुझे जल्दी से रेती लाना होगा। और रेती लाने के बाद हम लोग इसे प्लास्टर कर देंगे, फिर पेंट करके इस पे जाली लगा देंगे। जाली का ऑर्डर दे चुके हैं, पता नहीं अभी जाली कब आएगी, उसका ऑर्डर तो मैंने दे दिया है। अभी वो पीछे देखिए अकेला हो चुका है पिंजरे के अंदर, उसका भाई तो एक्सपायर हो चुका है। एंड जो कबूतर रिलीज करने के वास्ते रखा था वो भी एक्सपायर हो चुका है। बारिश हमारे बहुत नुकसान करती है, इसलिए मुझे बारिश नहीं पसंद है। सारी मटकियाँ बराबर लगी है, बस वो देखिए एक नीचे वाली वो कोने वाली मटकी थोड़ी सी ऊपर लगा दी मैंने गलती से। मार्किंग मैंने की थी पर सही नहीं हुई मार्किंग। चिड़ियाँ बैठने के वास्ते देखिए मैंने ऊपर थोड़ी गैप भी छोड़ी हुई है। और यहाँ से पानी कहाँ से आ रहा है, अब इसका भी हमें करना पड़ेगा, और इसे बाहर से भी प्लास्टर करना है। काम बहुत ज़्यादा करने के वास्ते, पर जाके रेती लाना नहीं हो रहा है मुझसे। जैसे ही रेती ला लूँगा ये काम सारे कर दूँगा कंप्लीट। और हाँ, ये नए मुर्गे की मैंने वीडियो भी बनाई थी, हमने नया मुर्गा ले लिया है बोल के, पर वो वीडियो पता नहीं क्यों यूट्यूब पे से हटा दी गई। पता नहीं क्यों हटा दी, शायद से उसमें मैंने मुर्गों की फाइट दिखाई थी इसलिए उसने हटा दी वो। तो जो वीडियो मैंने इस पर बनाई थी वो तो वेस्ट हो गई है, पर आप लोग देख लीजिए एक बार। ये हमारा नया मुर्गा है जो कि बहुत प्यारा है, माशाल्लाह वाइट कलर में गोल्डन शाइन पे है। रात में मैं हमारे कबूतरों पे कपड़ा बिछा रहा हूँ, क्योंकि ये कपड़ा अगर मैं यहाँ पे नहीं रखूँगा उन्हें सर्दी लग सकती है। मुर्गियाँ हमारी खैर सर्दी बर्दाश्त कर लेगी। यहाँ एक के ऊपर मैंने कठोई रख दिया है, ऐसे ही सेम यहाँ पूरों पे कठोई रखना है, और हम फिर बजीज छोड़ेंगे तो ब्रीडिंग जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे रखी हुई है देखिए बाकी की कटोरी, ये भी हमें ढापना है उनके ऊपर। अब बारिश की वजह से वीडियोस बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, सारा आंगन हमारा कीचड़ कीचड़ हो जाता है, वहाँ से मीठी निकल के आ जाती है पानी की वजह से, जिसकी वजह से मुझे बाहर आना भी दिल नहीं बोलता और मैं वीडियोस बनाता भी नहीं हूँ। अभी हमारी काली भाग के कार के नीचे चली गई है, अभी इसे वापस लेके जाना पड़ेगा हमें घर में, वरना ये कबूतरों पे अटैक करती है। ये डर गए हैं देखिए, इन पे अभी काली ने अटैक कर दिया था। यहाँ पे एक डव आके बैठी हुई है जो इसके ऊपर टीन डाल थी, ये भी अभी एकदम फिट बैठ चुकी है, तो अब हमें इसकी तो कोई टेंशन है ही नहीं। थोड़ी देर से इन कबूतरों को बंद करके हम इन मुर्गियों को खोलते हैं, वरना अगर हम अभी खोल देंगे तो ये लड़ेंगे। अब बारिश स्टार्ट हो रही है तो कबूतरों को बंद करते हैं और मुर्गियों को भी थोड़ी देर से खोलेंगे जब बारिश रुक जाएगी।
सुबह से दिख ही रहा था बारिश होगी और बारिश स्टार्ट हो चुकी है। हमारे मुर्गियां तो साइड पे हो चुकी है, पर अब नहीं लगता मुझे कि हम लोग हमारे केज का काम कर पाएंगे। मैं अभी मिठीलैंड जाने वाला था, पर वेदर बहुत ख़राब हो चुका है देखिए, पर अभी अजीब दिख रहा है, थोड़ी बहुत धूप भी है। अभी अंधेरा हो चुका है और बारिश अभी तक नहीं रुकी। आज भी मैं पिंजरे का काम नहीं कर सका, पर जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं रेती लाऊंगा और काम चालू करूंगा और उसकी वीडियो आएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।